गुड इवनिंग एक्सपीरियंस। अज जो अपना टॉपिक है ने अज के 13 मार्च के करंट अफेयरस आप कुछ इंपोर्टेंट जोड़े न्यूज़ कंसैप्ट आ रहे हैं उन्होंने उपर थोड़ा उन्होंने समझा आप जो न्यूज़ के कंसैप्ट तो इन चो ही कुछ क्वेश्चन पूछे जा भी सकते हैं अपने कंपीटिशन एग्जाम। सो सब तो पहले आप शुरू करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक जोड़ा रीजन है तुम यह देख सकते हो कि जो ब्लूश है तुम एक तो लाइट स्काई ब्लू है एक वैसे ब्लूश जो रीजन दिख रहा है जिंद इंडियन ओशन तो पैसिफिक ओशन आ रहे हैं। ये सारा इंडो पैसिफिक रीजन है। ये अजकल जिमें क्वाड इसकी काफ़ी चर्चा है। क्वाड जो कि चार कंट्रीज से US इंडिया आस्ट्रेलिया एंड जापान का मिल के बनया है तो उन्हें इस एरिया की काफ़ी अपने को चर्चा हैगी है। आड़ा एरिया मैं तुम दिखा रहा आवला आ सारा इंडो पैसिफिक जो है अपने को रीजन हैगा है। तो इन्हें आप नोट करने कि इन्हें अपने कंट्रीज आदि हैं उन्हें तो आप अगे वादे हाँ कि इन्हें अपने कंट्रीज आदि हैं। इंडो पैसिफिक अपने को देखो सब तो पहला इस मैप में इस तो अपने को आ गई एक तो फिल ए अपने सारी तो सामने चाइना बंगलादेश ठीक है इंडिया म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया ठीक है इतने फिलीपींस आ गई ब्रुनई आ गई इंडोनेशिया आ मलेशिया सिंगापुर ए पापुआ न्यू गिनिया आस्ट्रेलिया ओके सो ए न्यूजीलैंड हो गया ए हवाई हो गया। सो ये सारी अपने को कंट्री जी है इंडो पैसिफिक अपने को आ गए ने ठीक है। ये जी ये सारी लाइन जी है आप जी मैं ड्रॉ भी कर रहा ये सारा इंडो पैसिफिक रीजन की लाइन अपने को आती है ठीक है। तो जी दूसरी बच्चे लाइन तो पीली लाइन देख रही है एशिया पैसिफिक की है। फिलहाल आप इंडो पैसिफिक ज़्यादा कवर आप करते हैं। सो इन कंट्रीज़ केड़िया है वो उन्होंने केड़ी लोकेशन है उन्होंने अपना याद करने की कोशिश करना ठीक है जी। ये अपना हो गया इंडो पैसिफिक रीजन इंडियन तो पैसिफिक ओशन का जो रीजन है उनके तहत जी कंट्रीज आदि हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन कहने हाँ तो उस कंट्रीज़ के नाम जरूर अपना ध्यान देना ठीक है ओके। सो ये मैप में अच्छी तरह एनालाइज कर लेना ठीक है जिमें मैंने जापान अपने को जापान अपने को आ रहा आ रहा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया फिलीपींस है आ रहा ठीक है ये चीज़ें का पता होना अपन जरूरी है। न्यूजीलैंड की पोजिशन आ रही है ओके हूँ आप अगे वधने अगला अपना कंसैप्ट है इलीगल इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज। इनका की है कि इन आप समझ नहीं थोड़ा जहाँ आप बैकग्राउंड चलते हैं जिहड़ा म्यांमार है म्यांमार 2021 फिर मिलटरी कूप होया मतलब मिलटरी ने अपनी जिहड़ी है फिर सरकार ते अपना हक जमा लिया है। 1 फरवरी 2021 नूं ये अपने को जिहड़ा है मिलटरी कूप होया सी 1 फरवरी 2021 नूं ओके। तो इहदे च होया कि डेमोक्रेटिकली प्रोपर जिहड़ा डेमोक्रेटिकली इलैक्टिड जिहड़ी म्यांमार रूलिंग पार्टी सी जिहदा नाम सी नैशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी तो इहदे लीडर सी ओंग सन सू क्वी ठीक है इहनूं डिपोस्ट कर दिता गया किन्ने द्वारा तत्मा दा ये म्यांमार की मिलटरी है तो उनका जनरल केड़े ने मिन ओंग हली एंग ठीक है इन्होंने जी है उन्होंने फिर नज़रबंद कर दिता गया है ठीक है। तो उत्थे काफ़ी प्रोटेस्ट चलते पे ने ठीक है। तो हूँ स्ट्रैटोक्रेसी इतने आप एक वर्ड है स्ट्रैटोक्रेसी स्ट्रैटोक्रेसी उदो होंगी है डेमोक्रेसी तो तुम्हें पता लोकतंत्र हो गया स्ट्रैटोक्रेसी मिलटरी का जोड़ा है राज चलता है ठीक है मिलटरी उत्थे हैड होंगी है उन्होंने कहें स्ट्रैटोक्रेसी उन्हें अपनी बैकग्राउंड है इतने हूँ की हो रहा है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हर रोज़ हो रहे हैं ठीक है। काफ़ी लोग जोड़े है रिफ्यूज लैके वो इधरों जा रहे हैं ठीक है इवन कि पुलिसमैन भी जोड़े है रिफ्यूज लै रहे हैं मिलटरी के डर तो ठीक है। तो इधरों अपना जा रहे हैं तो बाकी नाल दी कंट्रीज जा रहे हैं उन्हें इंडिया भी एक कंट्रीज है तो इंडिया च भी अपने को आ रहा है ठीक है सारा। तो इस तरह इंडिया च भी जो अपने को आ रहा जस्ट मूमेंट हाँ जी इंडिया भी अपने को जो आ रहा है क्या तो उत्थे की है कि हूँ इंडिया प्रॉब्लम कि इन्ने रिफ्यूजीज इंडिया जोड़े है इंडिया वैसे भी कोई ट्रीटी नहीं ओबे करता यूनाइटेड नेशन ने कि जिंद रिफ्यूजी अपने अंदर आन दे ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयरस MHA इंडिया MHA ने उन्होंने कहा है जे म्यांमार के जो बॉर्डर लगते ने उन्होंने जी स्टेट्स है स्टेट्स जी उन्होंने कहा है कि तुम इन ध्यान दो जो रिफ्यूजी आ रहे उन्हों का ध्यान दो उन्होंने रोको ठीक है जी। तो हूँ आप देखते हैं किड़े किड़े अपने को म्यांमार जोड़े है अपने को लगते हैं बॉर्डरस जो म्यांमार अपने बॉर्डर लगते हैं सब तो पहले इधर देखो
ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਵਨ ਬਾਰਡਰ ਦਿਸ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਦੈਨ ਮਨੀਪੁਰ, ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬਾਰਡਰਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ 1643 ਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 1643 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 1951 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ UNRC, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ 1967 ਫਰਦਰ। ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦਿਉ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 1643 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ IIP। ਸੋ IIP ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ IIP ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ IIP ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ CSO। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ CSO ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਓਕੇ। IIP ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਫੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 8 ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 40% ਜਿਹੜਾ IIP ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਕੋਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਐਂਡ ਸਟੀਲ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ 8 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਐਸਟ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਮੋਨਿਕਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਮੋਨਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ? CCC ਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, CCCCC ਫਰੈਂਸ, ਫਰੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ CCCC ਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੈਫੀ ਕੌਫੀ ਡੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੈਫੀ ਕੌਫੀ ਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਡੀ ਕੱਢਤਾ, ਫਰੈਂਡਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ CCC ਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਲ, ਦੈਨ ਸੀਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਦੈਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵੇਟੇਜ ਹੈ, 8 ਕੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 40% ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਟੀਲ, CCC ਫਰੈਂਸ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਈਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2011-12 ਬੇਸ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।